अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज आपके लिए बहुत ही अच्छा एक बिजनेस आइडिया लाए हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसा बिजनेस आइडिया है जिससे आप आराम से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूनिक और ट्रेंड वाले बिजनेस आइडिया है। इतना है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैं अभी जो बिजनेस बताने वाला हूं, यह बिजनेस 12 महीने बहुत ही ज्यादा चलते हैं और इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बता देता हूं। यह तीनों बिजनेस के अंदर आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि कैसा है, बिजनेस बड़े हैं और इसके अंदर प्रॉफिट भी इतना अच्छा है कि वन टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करना है। कैसा है, आपको बार बार इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। वन टाइम अगर आप तीनों बिजनेस में से एक बिजनेस चुनते हैं और वन टाइम आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है। और ये जो बिजनेस है बहुत ही ज्यादा चलने वाले है और इससे प्रॉफिट भी करोड़ों रुपए सालाना हो सकता है। और इसके अंदर कैसा है, कोई बिजनेस अगर बड़ा होता है तो इन्वेस्टमेंट भी बड़ा लगता है। कम से कम इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो आपको आराम से 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक ये तीनों बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। कैसा है, ये बिजनेस बहुत ही अच्छे हैं और ट्रेंडिंग वाले बिजनेस है। और इस बिजनेस की खास बात ये भी है कि आपको उस बिजनेस के अंदर रहने की जरूरत नहीं है, आप मैनेजर लगाकर भी उस बिजनेस को चला सकते हैं आसानी के साथ और आप पूरा हैंडल कर सकते हैं। आपको एक जगह उस बिजनेस में टिके रहने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, उस बिजनेस को शुरू करना है और आपको जो है ना एक मैनेजर अच्छा रखना पड़ेगा जो ये बिजनेस पूरा हैंडल कर सके। तो इस तरीके से इंशाल्लाह अगर आप काम करते हैं तो आप लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमा सकते हैं बिजनेस से। चलिए अब मैं बताता हूं ये तीन बिजनेस कौन से बिजनेस है जिससे आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा बड़ा है तो आप इस बिजनेस में जरूर इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपके पास पैसा आज नहीं है लेकिन कुछ करने का हौसला है और बड़ा पैसा कमाने का आपको दम है तो आप आने वाले दिनों में आपके पास में जब भी पैसा आता है तो ये तीनों बिजनेस में से एक बिजनेस के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, आप भी करोड़ों रुपए कमाएंगे। चलिए मैं बताता हूं अब ये तीनों बिजनेस कौन से हैं। तो पहले नंबर पे जो बिजनेस है वो है पेट्रोल पंप का बिजनेस। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पेट्रोल पंप जो है ना कितनी ज्यादा कमाई वाला बिजनेस है और कितना प्रॉफिट वाला बिजनेस है। कम से कम 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसके अंदर कैसा है, आपको कमीशन मिलता है 2 रुपए 3 रुपए भी पकड़ते हैं और आपका रोजाना 10,000 लीटर का पेट्रोल और डीजल मिलकर 10,000 लीटर का भी अगर सेल होता है तो आराम से रोज के 30,000 रुपए रोज और महीने के 9 लाख रुपए होते हैं और सालाना 1.8 करोड़ इस पेट्रोल पंप बिजनेस से आप आराम से कमा सकते हैं। कई पर ज्यादा तो कई पर इससे भी ज्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि आपके सेलिंग पर रहेगा कि किस तरीके से आप सेल करते हैं और कितना आपका माल बिकता है। आइए अब दूसरा बिजनेस ये है कि आप जो है ना एक मैरिज हॉल शुरू करें, लॉन शुरू करें, शादी हॉल मंगल कार्यालय शुरू करें। इस तरीके का अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं, इसमें भी इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो 1 से 1.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपए आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। आप खुद सोचिए, आज एक जो है ना शादी के प्रोग्राम के या सगाई के 50,000 से 1 लाख रुपए लेते हैं, 50,000 भी पकड़िए, और साल भरे में आपके हॉल के अंदर 200 शादियां भी होती है तो सालाना आप 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। सुनिए कितना अच्छा ये बिजनेस है कि आपका कम से कम 1 साल या 2 साल के अंदर ही 1 से 1.5 करोड़ रुपए का जो है ना पैसा निकल जाएगा और फिर आने वाले दिनों में जो पूरा प्रॉफिट रहेगा कोरा कारा। तीसरा जो बिजनेस है वो है प्राइवेट स्कूल का बिजनेस। आज आप देख रहे हैं कि हर जगह हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े और पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने, तो लोग लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं पढ़ाई पर, एजुकेशन पर। अगर आप प्राइवेट स्कूल खोलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोलता हूँ कि आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 500 बच्चे भी अगर पढ़ते हैं आपके स्कूल के अंदर, क्योंकि इसके अंदर भी आपको इन्वेस्टमेंट 1.5 से 2 करोड़ रुपये करना पड़ेगा और आपको अच्छा मैनेजमेंट रखना है, अच्छे टीचर रखना है और बच्चों को हर
हर चीज़ की सुविधा देना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके जो है ना स्कूल के अंदर 500 बच्चे भी पढ़ते हैं और एक बच्चे से सिर्फ आप 20,000 रुपये लेते, एक बच्चे से सिर्फ 20,000 मल्टीप्लाई 500 यानी 1 करोड़ रुपये सालाना आपका इसमें बिजनेस यानी धंधा हो रहा है। आप खुद सोचिए कि आपका कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर ही पूरा पैसा निकल जाएगा 1 से 1.5 करोड़ रुपये जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये तीनों बिजनेस बहुत ही हाई क्वालिटी बिजनेस है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट वाले बिजनेस है। और इस बिजनेस में से एक बिजनेस कोई भी आप शुरू करते हैं तो आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है और बहुत ही अच्छा आपको इससे प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। हम इसी तरह से नए नए बिजनेस आइडियाज पर वीडियोस लाते रहते हैं, तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।